सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मजीद 5 नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद किया। अच्छा, काबिज भारतीय फ़ौज की जानब से शहीद किए जाने वाले कश्मीरियों की तादाद अब 7 हो गई है और कश्मीर में भारतीय रियासती जो दहशतगर्दी है इसका सिलसिला आपको पता है जारी है। मासूम कश्मीरियों को शहीद करना इनका मामूल बन चुका है, रोज़ का काम बन चुका है। इसी हवाले से पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज के हाथों 1400 से ज़ायद कश्मीरियों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत गैर कानूनी और झूठे इल्ज़ाम में मबनी गैर इंसानी इकदाम से दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर अकौम मुत्तहिदा ने भी आंखें बंद की हुई हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। शायद मकबूजा कश्मीर जैसी जो बदतर सूरत हाल है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान से हामिद खान अलमशरकी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद आपका ज्वाइन करने के लिए, और रिफत वानी कश्मीर से, रिफत आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और भारत से रोहित शर्मा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रिफत, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। रिफत, मकबूजा कश्मीर में ये जो काबिज भारतीय फ़ौज है इसके हाथों 1400 से ज़ायद कश्मीरियों की गिरफ्तारी और फिर भारतीय फ़ौज की जो गुंडागर्दी है सबके सामने है, जुल्म बर्बरी का सिलसिला है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, आए रोज़ कश्मीरियों की जान जाती है, लेकिन इनके लिए तो ये खेल बन चुका है, भारतीय फ़ौज के लिए मामूल की बात बन चुकी है, रोज़ की बात बन चुकी है, तो ये जो दहशतगर्दी है इसका सिलसिला आखिर कब थमेगा? लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ कश्मीरियों के जज्बे को, उनके हौसले को, कि उनका जज्बा उनका हौसला कम नहीं होता, मांद नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया फिज़ा जी। देखिए अभी मतलब ये दहशतगर्दी का लेबल लगा कर जिस तरह से कश्मीरी जो नौजवान हैं उनको शहीद कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, तो इनका जो इनके जो मजमूम मकासद हैं वो इसी से साफ जाहिर होते हैं कि इनको कश्मीरी नहीं चाहिए, स्पेशली कश्मीरी मुसलमान नहीं चाहिए इनको, वहाँ पर सिर्फ हिंदू राष्ट्र का जो इनको ख्वाब है वो पूरा करना है और उसके लिए कश्मीर स्टेट का जो है उसमें चेंजेस जो हैं इनको लानी है, और इसी को करके इन्होंने वहाँ से कश्मीरी पंडित, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके दूर पार के जो रिश्तेदारियाँ हुई हैं उन लोगों को भी ला के कश्मीर में बसा रहे हैं, और इतने बड़ी तादाद में इन्होंने डोमिसाइल इशू किए हैं, तो वहीं से साबित होता है कि इनको कश्मीरी नहीं चाहिए। अननोन गनमैन इतनी बड़ी फौज की तादाद में होते हुए कैसे अननोन गनमैन जो है कश्मीर के अंदर आ जाते हैं और किसी को भी आके टारगेट किलिंग में जो है उनको मार देते हैं, वो चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीर का सिख हो, कश्मीर का मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आप इनका मीडिया उठा के देखें, आप इनके पॉलिटिशियंस को देखें, आप इनकी आवाम को देखें, वो क्या करते हैं, वो जब कश्मीरी मुसलमान मारा जाता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, अगर कोई पंडित मारा जाता है या कोई सिख मारा जाता है तो उस पे कहते हैं कि ये जो है अच्छा हुआ इनके साथ इन्होंने देखो हमारा पंडित मार दिया, हमारा सिख मार दिया, उसको कंडेम करते हैं, लेकिन हमारी किलिंग्स को कंडेम नहीं किया जाता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम जानवर हैं? इसी तरह इन्होंने इस अभी तक जो है 23 लोगों को वहाँ पे मतलब टारगेट किलिंग में अभी तक शहीद हो चुके हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब से हों, वो हमारे वहाँ पे रियासत के बाशिंदे थे, और पिछले 30-35 सालों में किसी भी सिख की जान नहीं गई है, लेकिन अभी आप देखें कि इस बार जो है इन्होंने सिखों को भी टारगेट किया है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ये किलिंग्स खुद करवा रही हैं, टारगेट किलिंग्स, और ताकि वहाँ पर एक जो मजहबी नफरत है उसको हवा दी जा सके, लोगों को आपस में लड़ाया जा सके, वहाँ पर सिविल वॉर क्रिएट की जाए, ताकि इनको जो अभी इनके इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें जो है ये कामयाब हो सकें, क्योंकि कश्मीर तो इनका हमेशा से वोट बैंक रहा है। उसके बाद जो मोदी गवर्नमेंट की जो नाकामियाँ हैं उनको उनके ऊपर पर्दा डाल सकें, जो वहाँ पे इनका कोविड का जो मैस हुआ है उसके ऊपर वो डालें, जो घपले घोटाले इन्होंने किए हैं उसके ऊपर जो है ये पर्दे डाल सकें, उसके लिए कुर्बानी का बकरा जो है ये कश्मीरियों को बना रहे हैं। जबकि पीएलए के सामने इनकी चलती नहीं है, वो इनकी सरहद के अंदर आके घुसते हैं, इनकी फौज की अच्छी खासी धुलाई करते हैं, इनको मार के चले जाते हैं, वहाँ पर इनकी नहीं चलती, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर ये जोर हुए हैं। मेरा तो दिल डर रहा है कि कश्मीरी जिस हिसाब से इनको बद्दुआएँ देते हैं,
कभी खुदा ने ऊपर अर्श पे सुन ली तो इनका पता नहीं क्या हाल होना है। ये एक एक कश्मीरी के दिल से इनके लिए बद्दुआ निकल रही है। इनको जो है इनको इनको अगर ये समझते हैं कि कश्मीरी इनके साथ खुश हैं, वो खामोश हैं, खुश नहीं है। रिफत, ठीक है जी रिफत, आपका पॉइंट आ गया डिटेल से। रोहित, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, सवाल पे सवाल ना कीजिएगा प्लीज़। अब सवाल ज़रा सुनिएगा कि कश्मीरियों को फ़ैसला क्यों नहीं करने देते आप लोग कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, चले या फिर एक सेकंड के लिए मान लें कि अगर वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो उनसे पूछा तो सही ना कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। क्यों इन मासूम कश्मीरियों की सांसों पर आप लोग काबिज हुए हैं, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ, क्यों? ये आपको बता किसने दिया कि हम कश्मीरियों से पूछने जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज के जिसने बोला था यूएन ने, उस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया। पहले तो कश्मीर को तोड़ के गिलगित बल्तिस्तान एक अलग स्टेट बना दिया, अब रेजोल्यूशन को आप ऑनर कर रहे थे तो आपको पूरा ऑनर करना चाहिए था। दूसरा मिलाइए उसे इंडिया से, रेजोल्यूशन में ये लिखा है ना कि इंडिया कर पाएगा उसमें, आप तो नहीं मानते उसको, तो इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं बार बार जब आप खुद नहीं मानना चाहते उसको? आप खुद उस रेजोल्यूशन को डिसऑनर कर रहे हैं और उसके बाद ब्लेम आप इंडिया को करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई, इंडिया करवा लेगा, बिल्कुल करवाएगा, आप मिलवाइए, हम तैयार हैं। और जहां तक ये मैडम बोल रही थी फेक एनकाउंटर होते हैं, यार 4 घंटे तक फायरिंग फेक एनकाउंटर में कैसे होती है? 4 घंटे तक सामने से फायरिंग आ रही है, मीडिया खड़ा है, सब कवर कर रहे हैं पूरा, भाई कश्मीरी तो कुछ मीडिया होगा जाने देते हैं, क्या बातें कर रहे हैं सर आप, रोहित जी क्या बातें कर रहे हैं, वहां पे जाता है। कल आपने नाइट रेड में आपने कल एक फोटो जर्नलिस्ट को उठा लिया आपकी आर्मी ने, क्या बातें करते हैं वहां पे, किस मीडिया पर्सनालिटी को आप वहां पे बात करने देते हैं? दुनिया का वाहिद एनकाउंटर है मैडम, जब आप बोल रही थी मैच, मैडम जब आप बोल रही थी मैच, बंदा पूछे, जवाब मुझे देने दीजिए जवाब बोल रही थी मैच। आप मीडिया वहां होता है, वहां पे मीडिया नहीं होता है, आपने भी 100 झूठ बोले थे, उनका जवाब दे रहा हूँ मैं। मैंने आपको ऑन द स्पॉट डिस्टर्ब नहीं किया था, मैं चुपचाप लिख रहा था, तहजीब में रहिए। मेरे झूठ की तो दुनिया गवाह है, उसके सबूत भी है, आपके झूठ का गवाह कोई नहीं है जी। अरे आपके आपका झूठ कम है, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट ने बोला था कि करगिल में हमारे आर्मी रेगुलर्स नहीं है, क्या निकले, कौन था आपके प्राइम मिनिस्टर ने? उसके बाद मैं क्या लैंग्वेज बोलूं आपके लिए, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोल दिया कि हमारे रेगुलर्स थे, आप बताएंगे लूंगी। रोहित जी ये बोल रही है की अननोन गनमैन आके कैसे मार जाते हैं मैडम, वैसे ही मार जाते हैं जैसे आपके लाहौर में ब्लास्ट होते हैं, जैसे आपके बलूचिस्तान, आपकी आर्मी भी निकम्मी है, पहले आप ये हो गया हमारी आर्मी यूजलेस है, इस आर्मी को डिसबैंड कर देना चाहिए, जिसके जिसके होते हुए वहां पे ब्लास्ट हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं, 35 अटैक हुए हैं सेप्टेम्बर में, 30 दिन होते हैं महीने में, आप अपनी आर्मी को पहले बोलिए, हमें ना बोलिए। आप जो ये सेंटेंस बोल रही है, ये सेंटेंस अपने आर्मी चीफ पे आपकी अगले दिन डेड बॉडी मिलेगी, उसके बाद सुनिए एक मिनट, मैं अभी अपने बोल रहा हूँ। अच्छा, और आपने बोला रोहित जी नो माय पॉइंट हैज टू कम, नो और दूसरी चीज, एक मिनट मैडम, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी है, फारूक अब्दुल्ला ने आज ही बोला है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट रहेगा, कभी नहीं बनेगा पाकिस्तान का पार्ट। और यही बात बेचारे कश्मीरी आप लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अस, हमें ना डिस्टर्ब करें, हमें ना तंग करें, हमें जीने दें, हमें भी जीने का राइट है। और आप लोग उनके पास, आप लोग पैलेट गन्स लेके, छर्रे लेके, बंदूकें लेके काबिज हुए हैं कश्मीरियों के, वो भी आपसे बार बार कह रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब अस, हमें सांस लेने दें, खुली फजा लें, हमें भी हक है जीने का। तभी इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को, उसके बेटे को कैद किया, उनको जेल में डाला। इस तरीके की, जिस तरीके की डिबेट के लिए मैं नहीं आया हूँ, पहले बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई और ना बोले, जब मैं बोल रहा हूँ कोई इस तरीके की डिबेट के लिए नहीं आया हूँ, मेरे बात खत्म होने दीजिए। जैसे रोहित मेरी बात सुने, सबसे ऊंचा आप ही बोल रहे हैं रोहित, एक मिनट, हामिद भी मेरे को बड़े आराम से बात करना चाह रहे हैं, मैंने बार बार, एक मिनट मुझे बात करने दीजिएगा, एक मिनट प्लीज, मेरी तमाम मेहमानों से गुजारिश है, रोहित एक मिनट यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट नहीं, ये बात अब यहीं पे क्लियर होगी।
आप तब से बात कर रहे हैं, हामिद दरमियान में जवाब देना चाहते हैं, मैंने हामिद को दो बार रोका कि हामिद रोहित बात कंप्लीट करेंगे फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ जवाब देते हैं, आपने वो नहीं सुना और रिफत भी बहुत आराम से बात कर रही है, आप ज्यादा चिल्ला के बात कर रहे हो, उल्टा फिर आप पाकिस्तानी गेस्ट को कह रहे हैं कि आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, इस तरह की डिबेट में मैं नहीं आना चाहता। दोनों मेहमान मेरे शायद आपको इतने बुरे लग रहे हैं या आप मेरे प्रोग्राम को कह रहे हैं कि मैं इस तरह की डिबेट में नहीं आना चाहता, हालांकि आप हमेशा आते हैं, आपको बात करने का मौका दिया जाता है। अब हामिद साहब को मेरे ख्याल से मैं बोलने दूं क्योंकि आप मेरे ख्याल से 5 मिनट से बोल रहे हैं, हामिद साहब अभी तक नहीं बोले, प्रोग्राम शुरू हुए 12 मिनट हो चुके हैं, अब मेरे ख्याल से राइट है उनका बोलना अगर आप मौका दें तो। हामिद देखिए बात, ये राइट मैं भी एक्सरसाइज करूं, देखिए आप मेरे मेहमान हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, मैं आप तीनों मेहमानों को मौका दूंगी अगर आप मुझे मेरे साथ थोड़ा तावुन करें, आप तीनों मेहमान जी, आप रोहित उनसे बात उनकी बात सुन लें फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैंने कभी आपको मौका ना दिया हो, आप जो बात कहना चाहते हैं एज इट इज जाती है, कभी आपको लगा कि आपका कोई जुमला हमने एडिट करके टीवी पे दिखाया हो, एज इट इज जो आप बात करते हैं वही जारी होती है। और ये डिसेंसी बिल्कुल मैं आपके आपके जो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैंने इंडियन चैनल पे भी कहा, मैं यहाँ पर भी कहता हूँ कि अगर अगर कश्मीर में आप समझते हैं कि आप कश्मीर में उनकी मर्जी से वहां पर हैं, तो वो जो 7 से 10 लाख फौजी जो हैं वो क्या घास खाने के लिए आपने वहां बिठाए होते हैं? दुनिया 10 लाख आपने गिने थे, 10 लाख आपने गिने थे, आप कहां से 10 लाख की फिक्र दे देते हैं? आपकी कोई फिक्र होती नहीं है, 10 लाख तो आपकी आर्मी नहीं है, आपकी आर्मी से ज्यादा रखे हुए आपने, 10 लाख में आपकी आर्मी से ज्यादा रखे हुए हैं, आपको कहां से फिक्र आ जाती है? ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं तो 50 लाख बोलते ना, 1 करोड़ बोलते, आपको मना किसने किया था? आप बिल्कुल जो है राइट टू चिल्लाए, आप तो पाकिस्तान तो झूठ पे ही चलता है, बोलते रहिए, आपको मना किसने किया? बोलिए आराम से झूठ, आप 50 लाख 1 करोड़ बोलते ना, 10 लाख 14 लाख आर्मी में 10 लाख हम आर्मी आप कौन किसको नहीं बोलने दे रहा नाजिम के सामने, रोहित आप उनको नहीं बोलने दे रहे, हामिद साहब अपनी बारी पे बोल रहे हैं, आपको नहीं बोलने, यही बात मैडम यही बात मैं प्रूव करना चाह रहा था अपने इंडिसिप्लिन से कि दूसरे को कितनी परेशानी होती है। आप मौका दूंगी, अरे आप हामिद साहब को आप यकीन जाने मुझे आपकी बात ज्यादा सुनाई दे रही, रोहित मैं हामिद को सुन ही नहीं पा रही, हामिद क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं, आप उनको बात ही नहीं कर रहे हैं ना, इनको यही बात मैं प्रूव करना, अच्छा एक मिनट हामिद मुझे एक मिनट दे दे, हामिद साहब मुझे एक मिनट दे दे, एक मिनट रोहित आप मुझे एक मिनट हो, रोहित आप मुझे 30 सेकंड में बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हामिद साहब मैं आपसे जवाब देती हूँ, 30 सेकंड आपका टाइम स्टार्ट होता है जी, प्लीज रोहित। मैं यही बात प्रूव करना चाह रहा था कि जब एक आदमी बोल रहा है और सामने से दूसरा आपका पाकिस्तानी गेस्ट बोलने लगता है, जब मैं झूठ एक्सपोज करता हूँ पाकिस्तान के, ठीक है आप 10 सेकंड इसी में जाया कर दिए, अगले 20 सेकंड मुझे बता दें आप कहना क्या चाह रहे थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कितनी प्रॉब्लम आती है अगर दो आदमी दूसरा आदमी, आप इंडियन को बोलने मत दीजिए, आपके बोलते हुए जो इंडियन डिसिप्लिन होते हैं इंडियन, अच्छा मैं 30 सेकंड में ये बात कर रही थी रोहित, मैं सभी शायद आपको पॉइंट सामने लेकर आना चाह रहे हैं, कोई मुद्दे पे आना चाह रहे हैं, कोई आर्गुमेंट, मुद्दे पे भी बोलूंगा मैडम, लेकिन 30 सेकंड में आपने सिर्फ ये गिला कर दिया कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा, चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी जी, हामिद आप टॉपिक की तरफ आए जी, जी आप टॉपिक की तरफ आए जी, हामिद डॉक्टर फिजा सादी सी बात ये है कि इंडिया इस वक्त कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वो जंगी जराइम है और मोदी को इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, मैडम रिफत ने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये जो सिखों को अब मारने लगे हैं और औरतों को मारने लगे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर एक नफरत और खाना जंगी की सिचुएशन पैदा की जाए। दूसरी बात ये कि इन्होंने जान के 5 खालसा रेजिमेंट के सिख मारे हैं, जो कि ताकि जो पंजाब में सिखों का जो किसानों की वजह से जो इन्होंने अत्याचार किया है, जो किसानों पे जुल्म कर रहे हैं, उससे तवज्जो हटा सके, सिखों को ये अपने साथ मिलाने के लिए उनको उनकी जान के दर पे हैं और कश्मीरियों को उसका इल्जाम देना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि ये 17-17 साल के लड़कों के एनकाउंटर कर रहे हैं, इस फौज को तो शर्म से मर जाना चाहिए, इस फौज के लिए तो डूबने का मुकाम है, ऐसी ये फौज नहीं है, ये एक गुंडों का ग्रो बन चुकी है इंडियन फौज। इंडियन फौज के बारे में मैं क्या कहूँ, ये वॉर क्राइम्स करते हैं। एक और बात आप समझें कि मोदी जो है वो इलेक्शन हारता जा रहा है, इसके एक उम्मीदवार को तमिलनाडु में आज एक वोट पड़ा, एक वोट, पूरा ट्विटर भरा हुआ है सिंगल वोट ट्रेंड से। मकसद ये है कि मोदी के लिए अब शर्म का मुकाम है और जितना जुल्म ये कश्मीर में कर रहा है इसको इसका जवाब देना पड़ेगा। कश्मीरी जो हैं वो अब इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं,
कश्मीरी जो हैं वो आज़ादी से कम पे समझौता नहीं करेंगे। एक और चीज, आप क्या समझती हैं कि ये इंडियन मीडिया और इस तरह ये जाके चार चार घंटे का प्रोग्राम करेंगे और लोग इसको सच मान लेंगे? दुनिया का कोई मीडिया, दुनिया का कोई मीडिया हाउस इंडियन मीडिया की खबर को सच के तौर पर लेने को तैयार नहीं है। इंडियन मीडिया की खबर को रेफरेंस के तौर पर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये वीडियो गेम्स के क्लिप दिखा के कहते हैं पाकिस्तानी फौज बमबारी कर रही है। ये पाकिस्तानी अदाकार शान की तस्वीर दिखा के कहते हैं पाकिस्तानी कमांडो अफगानिस्तान चले गए। ये पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट की तस्वीर दिखाकर कहते हैं जी ये मुल्ला साहब वहां पंचशेर में तकरीर कर रहे हैं। यानी इनके मीडिया का और इनकी गवर्नमेंट के फेलियर का ये हाल है कि इनको और इनको सेना होटल के पाप का पांचवा फ्लोर भी नजर आ जाता है जो कि है ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर वहां पे इनको पाक फौज भी नजर आ जाती है। वो बताता है जी मेन्यू भी मैं बता देता हूँ क्या सर वो रहे, और मेरी जो मेरे जो राय है उन पे सवाल ना पूछिएगा, शक ना कीजिएगा। मतलब ऐसे ऐसे दावे टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के किए जा रहे होते हैं, ऐसे चैनल पे जो दुनिया भर में देखे जा रहे होते हैं, वो कोई इस तरह की वेबसाइट्स नहीं होती कि जिनको पूछने वाला नहीं है। ऐसे टीवी चैनल जो पूरे दुनिया में देखे जा रहे होते हैं। डॉक्टर फिजा, पूरी दुनिया अब इनके मीडिया का मजाक उड़ाती है। आप दुनिया का कोई भी बड़ा कॉमेडी शो देख लें, उसके अंदर एक दो क्लिप जो होते हैं वो इनके प्रोग्रामों के होते हैं, क्योंकि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। और बदकिस्मती की बात यह है कि इनकी सारी फॉरेन पॉलिसी, वॉर, हाइप, सारा कुछ मीडिया ड्रिवन है, यानी मीडिया चला रहा है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि मीडिया डिसाइड करे कि जी भारत को कहाँ फौजें भेजनी है, भारत को कहाँ अटैक करना है, भारत को किनके साथ बात करनी है, भारत को किसके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मीडिया लोगों को अंधा कर रहा है, एक ऐसी जगह धकेल रहा है जिसकी कीमत खुद इंडिया को देनी पड़ेगी। आज इंडिया का जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो खुद इस बात से तंग आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। कश्मीर की आजादी तो कश्मीर का नसीब है, कश्मीर तो इवेंचुअली आजाद होना है, उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये उनकी 70 साल की स्ट्रगल है। अभी महबूबा मुफ्ती ने 2 छोटे से बयान दिए और ये सारा मीडिया उस महबूबा मुफ्ती के पीछे पड़ गया जो सारी जिंदगी इनके साथ रही, कांग्रेस की गोद में बैठी रही। मैं महबूबा मुफ्ती के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उसका एक बयान भी जो है, एक बयान वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, उसने कल एक बयान दे देना है, उसने कहा था कि जी हम चाइना के साथ रहना तसव्वुर कर लेंगे, जो कश्मीरी है वो भारत के साथ नहीं रहना चाहता। वो बयान तो रोहित को पता नहीं है, रोहित जो दूसरा बयान बताने आगे। मकसद ये कि इनका हाल ये है कि मीठा जी रोहित जी मेरे रिफत की तरफ भी जाना है फिर। जी 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 अच्छा अच्छा रोहित, मुझे आपसे इन बातों का जवाब चाहिए, और अब कोई भी बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। जी रोहित आप जवाब दीजिएगा। जी फिर मेरे रिफत आपकी तरफ आ रही है। जी रोहित, अब ये जनाब बोले सिखों को मारने लगे हैं, वो मैडम भी बोली मैं जब जवाब दे रहा था दोनों बीच में बोलने लगे तो प्रॉब्लम आ गई। अब मैं इनसे उम्मीद करूंगा थोड़ा अच्छा। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों ना बोलिएगा। रिफत मैं आपकी तरफ आऊंगी, हाँ मैं सब जब आपकी तरफ आती हूँ फिर आपने तब जवाब देना। जी रोहित अब कोई नहीं बोलेगा, आप बात करें। हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट है और उनको आई कार्ड देख के मारा गया था, आई कार्ड देख के मारा गया। और उसके बाद जो है ये 5 इनोसेंट कश्मीरी बता रहे हैं ना, इन 4 घंटे जिनसे एनकाउंटर हुआ है, पता नहीं गोलियां कहां से आ गई उनके पास। वो गोलियां नहीं चला रहे थे, लिपस्टिक चला रहे थे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। उसमें से एक आदमी वही था जिन्होंने उन्हें मारा, उसका एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अब खालसा रेजिमेंट इन्होंने बोला खालसा रेजिमेंट के जवान मरे हमारे। खालसा रेजिमेंट कौन सी है यार, नाम पहली बार सुन रहा हूँ, सिख रेजिमेंट है। आई टोटली इनइनफॉर्म्ड, आप कभी पढ़ लिया करें थोड़ा सा तब डिबेट में आए। खालसा रेजिमेंट कोई है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। जनरल जीडी बख्शी को सुन लें, वो खालसा रेजिमेंट कह रहे हैं, फिर आपको नहीं पता। जनरल तो जीडी बख्शी झूठ बोल रहे हैं। आप जीडी बख्शी को फॉलो करते हैं या आपने आप अपनी उसको देखिए बीच में, पहली चीज तो आप बीच में बोले, मैं आपने बोल रहे थे आपने भी तो मुझे गुस्सा तो आएगा। अरे खालसा रेजिमेंट है ही कोई नहीं। आप नहीं रोहित मेरी बात सुने, वो बिल्कुल यहाँ पे वो बात ही सही कह रहे हैं कि आपके एक रिटायर्ड जनरल है जीडी बख्शी, जो की मेरे ख्याल से इंडिया के बड़े मशहूर एक जनरल साहब है, टीवी चैनल पे अक्सर बैठते हैं, तो उनको ये उनको भी ये नहीं पता होगा। रोहित शर्मा को पता होगा, साफी को और जनरल बख्शी को नहीं पता होगा जिनको वो कोट करें कि उन्होंने उनसे सुना। वो सिख है यार, खालसा है, वो सिखों को टारगेटेड किलिंग की गई है। देखिए रिटायर्ड जनरल को तो पता ही होगा, अगर आपको पता है तो आपके देश के जनरल है। सारे के सारे बीच में बोलने लगे, ऐसे डिबेट नहीं होती है। नहीं सारे के सारे, मैं एक सवाल से सवाल निकाल रही हूँ ना, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं पे खत्म हो जाए। रोहित मेरी बात सुने, अगर वो कह रहे हैं हमें तो उन्होंने जनरल बख्शी को सुना है कहते हुए, तो जनरल बख्शी को आपके मुताबिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो इन्फॉर्मेशन आपके
पास अभी जनरल बख्शी के पास नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो फिर जनरल बख्शी भी सुनेंगे जब ये प्रोग्राम में तो वो तो आपको फोन करके पूछेंगे कि रोहित आपको ज्यादा पता, मुझे वाकई नहीं पता। यार एक मिनट, अभी ये बोल रहे थे मीठा मीठा खा ले कड़वा कड़वा निकाल दे जनरल बख्शी, तो ये भी बोलते हैं पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, वो भी आप कोट कर दीजिए, वो तो ये कोट नहीं करेंगे, जनरल बख्शी को कोट कर रहे हैं। अखबार आपने क्या फाड़ की, किस चीज के लिए बच्चे की पोटी साफ करने के लिए रखते हैं? अखबार कभी नहीं पढ़ते क्या? बात करते हैं आप, अजीब बात कर रहे हैं। अखबार में सस्ते रेजिमेंट है, आपने पढ़ी है कभी? आप फिर बोले बीच में एक रेजिमेंट है, तो खालसा रेजिमेंट ही कोई नहीं है? आप आके खरीदते हैं क्या? कभी खरीदा नहीं आपने? ना आपका खालसा रेजिमेंट है ही नहीं, तो आप ये बात मान लो। आपका ना मीडिया सच बोलता है, ना आपके एंकर सच बोलते हैं, ना आपके फौजी सच बोलते हैं, ना आपके एंकर सच बोलते हैं। खालसा रेजिमेंट अगर आपके फौजी नशा करके आ जाते हैं तो मेरी गलती, उसको ये नहीं पता रेजिमेंट कितनी है? झूठ बोल रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। आप ये बताएं कि वो 5 सिख नौजवान फौजियों को क्यों टारगेट किया है? इंडिया की रॉ ने खुद मारा है उनको, ये मेरे से आप लिखवा लें। उनकी आवाज नहीं आ रही है छत्तीस सिंह पूरा तो जी जी रफत आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। जी जी देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने उनको नहीं मारा। छत्तीस सिंह पूरब में भी, मतलब जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का विजिट था तब उन्होंने छत्तीस सिंह पूरा किया ताकि ये दुनिया को बताएं कि मतलब कश्मीर के मुसलमान जो है बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो ये हैं वो है। तो वहाँ पे उस टाइम सिख खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये आर्मी ने किया है, इंडिया की आर्मी ने। उसके बाद इंक्वायरी उसके ऊपर बैठी और वो बाद में जो है प्रूफ हुआ कि वो इंडियन आर्मी ने खुद किया था, उसके ऊपर पूरा कमीशन बैठा था। ये उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये अपने आप को बहुत महजब कहते हैं तो ये अभी कैसे वो पेपर और के बच्चों की पोटी और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं? ये इनका महजबपन है। एक चैनल पे बैठ के और एक डिबेट शो में मतलब इतनी बेहुदा ये बातें कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बाइखलाक जो है वो तसव्वुर करते हैं ये। दूसरी बात ये है डॉक्टर फिजा जी, कश्मीर जो है इन्होंने जहन्नम बनाया है और वो इनके लिए खुद ही जहन्नम बनता जा रहा है। आप देखिए कल जब इनके और जन्नत नजीर वादी, जिसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जन्नत नजीर वादी, उसको इन लोगों ने जहन्नम बना दिया जी। शर्म तो कल जब इनकी एक आर्मी के वो जो 5 जवान जब मारे गए तो वहां पे उनमें से एक की बीवी ने कहा कि मतलब और नेशनल इनके नेशनल चैनल पे कहा कि अगर आप मतलब आप इन कश्मीर के नौजवानों से पूछते क्यों नहीं हो कि मतलब ये चाहते क्या हैं, ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप इनसे पूछें, अगर एक फौजी जिसकी जिसका शौहर मारा गया है उसकी बीवी नेशनल चैनल पर बैठ के आपको कह रही है कि आप मुज़ाकरात करो, आप पूछो लोगों से कि मतलब वहाँ के लोग क्यों मतलब अपनी जो फ्रीडम है उसके ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है कि अब फौजियों की जो फैमिलीज हैं वो भी ये महसूस करना शुरू हो गई हैं कि कश्मीर के अंदर हमारी फौज कुछ तो गलत कर रही है जिसकी वजह से हम भी मारे जा रहे हैं और वहाँ कश्मीर के अंदर भी आम आवाम का नुकसान हो रहा है, लोग जो है शहीद हो रहे हैं। तो लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं से दो शिकार कर रहे हैं, सिखों को भी मार रहे हैं और साथ कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं जी। ये ऊपर बैठे हुए जो गिद्ध हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर का मसला हल हो। अगर कश्मीर का मसला हल हो गया तो इनको कभी भी मतलब वोट्स नहीं मिलेंगे, ये कभी भी मतलब जो पॉलिटिक्स ये करते हैं कश्मीर के नाम पर वो ये नहीं कर सकेंगे। ये मतलब अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना, और इतनी बड़ी आर्मी को ये लेके कहां पे जाएंगे, करेंगे क्या उसका कश्मीर के मतलब रिसोर्सेज इन्होंने। जो भारतीय फौजी हैं सबसे ज्यादा जो खुदकुशियां करते हैं वो फौजी हैं जो कश्मीर में ड्यूटियां दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर गिल्ट कॉन्शियस, एहसास से जुर्म उनको अपनी जान लेने पर मजबूर कर देता है। आप सोचें ये कितना जुल्म कर रहे हैं मजलूम कश्मीरियों पर, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी जो खुदकुशी कर रहे हैं वो कश्मीर के अंदर है। आप सोचें ये कितना जुल्म करवा रही है मोदी की गवर्नमेंट। साहब ये देखें, ये अभी यहाँ पे बैठ के कह रहे थे ना कि कोई फेक इनकाउंटर नहीं होते, कुछ नहीं होता। दो दिन पहले की बात है, एक बकरवाल लड़का परवेज, वो बेचारा आ रहा था और उसको उसकी गाड़ी को इन्होंने टारगेट, उसको ब्रेक नहीं लगी और उसकी गाड़ी को इन्होंने जो है फायर किया और वो बेचारा शहीद हो गया। उसकी जो बेचारी वो बीवी, वो मतलब एक आपको पता ही जो बकरवाल होते हैं ये तो इतने अमीर होते नहीं है, तो वो बेचारी अभी क्या करेगी?
और कहते हैं कि उसकी उसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी। भाई जम्मू से लेकर वो कश्मीर तक आया तो उसकी गाड़ी मतलब कितनी चेक पोस्टों से होकर गुजरी होगी, और मतलब वो चेक नहीं हुई और ता वहां पे मतलब उसको कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर वो आए तो उसको शहीद कर दिया। क्यों? इसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी, उसकी गाड़ी पे लिखा हुआ था मुस्लिम फॉरएवर, इस वजह से उसको टारगेट किया गया और बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था। ये हमें टारगेट करके शहीद कर रहे हैं, ये हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको टारगेट करके शहीद कर रहे हैं। और मैं आपको एक 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 लास्ट पॉइंट में आपको बताती चलूं, हमारी जो वहां पे मेडिसिन जा रही है कश्मीर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजा जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, कश्मीर के अंदर जो मेडिसिन जा रही है, कश्मीर के अंदर जो फूड जा रहा है, उसमें कोई ना कोई चीज ये मिलावट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ड्रग्स और जो सुसाइड जो हो रही है वो बहुत ज्यादा वहां पे हो रही है, और हमारे बच्चों को, हमारे यंग जनरेशन को हार्ट अटैक हो रहा है, यंग जनरेशन को, और इतने ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हार्ट अटैक के, आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं। और अब भी इन्होंने ये जो ये टीचर को शहीद किया, उसके बाद इन्होंने 42 टीचर्स को जो है, बल्कि उससे अबाव इन्होंने टीचर्स को डिटेन किया है। अब आप देखेंगे हमारे साथ क्या कह रहे हैं, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज टीचर जो पब्लिक सर्वेंट्स ऑफिसर्स हैं, सबको इन्होंने मतलब जेलों में भर के रखा है, इन्होंने ला के बाहर से ही लोगों को लगाना है, ताकि आरएसएस के गुंडे जो हैं कश्मीर के अंदर आए और वो दनदनाते फिरें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी रोहित, आपके पास जवाब है रिफत की इन बातों का? हाँ, मैं पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि ये लोग तो जवाब देने नहीं देते, इनको लगता है जब झूठ पकड़ा गया तो फिर ये पीछे। रिफत एक मिनट कह रहे हैं, मैं आपकी जरा रिक्वेस्ट करती हूँ रोहित, सिर्फ मुझे एक मिनट दीजिएगा। रिफत जी, जो मैं अपने लास्ट में भी बात की है, जो यंग लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, जरा ये दोहरा दीजिएगा ताकि रोहित आपकी बात सुन के फिर आपको जवाब दें। जरा दोहराइएगा। वो सुन लिया मैंने। जी जी, मैं बताता हूँ, ये जनाब बोले भारतीय फौजी सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, राइट और उसके बाद रिफत ने बोला कि हमारे कश्मीरी लड़के भी सुसाइड कर रहे हैं, उनको क्या एहसास हो रहा है कि हम पाकिस्तान के गलत साथ रह रहे हैं, यही एहसास हो रहा होगा ना। अच्छा, अब दूसरी बात, अब जहां तक बात यह है कि हार्ट अटैक हो रहा है, खाने में कुछ मिला रहे हैं, उन्होंने बोला कश्मीर जो है उधर आजादी की वो रे, यार आजादी का कश्मीर में जो है, हमने एक ट्वीट देखा था मरियम नवाज का, वो पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर का था, मरियम नवाज का ट्वीट, आजादी आजादी नारे लग रहे थे वो बस पे चढ़ के, राइट, वो नहीं देखा आपने, है ना। जहां तक बात कश्मीरी लड़के हमारे यहाँ दिल्ली में और रेस्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ पर वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं करता मैं, अभी इसी सितंबर की बात कर रहा हूँ, सितंबर में 400 से ज्यादा लड़कों ने, 400 से ज्यादा मुस्लिम लड़के, कश्मीरी लड़के, उन्होंने ज्वाइन की इंडियन आर्मी, ठीक है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 460 मुस्लिम लड़कों ने ज्वाइन किया इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सारे मुस्लिम थे, वो आजादी नहीं मांग रहे थे। आपको कौन से आजादी मांगने वाले जो हैं, जिनको आप 200-200 रुपए देके पत्थरबाजी कराते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, कश्मीर में आपके कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं और आप उन्हें दिखा दो यार, इनफैक्ट आपके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी तो कर चुके हैं ना, आरिफ अलवी ने एक मुजफ्फराबाद का ट्वीट दिखाया था, देखो कितनी एट्रोसिटी हो रही है, और बोला था श्रीनगर का है, बाद में निकला आपके साइड का कश्मीर का, तो ये सब होता रहता है। आप जो बोल रही है वो बकरवाल लड़का, ऐसी कोई खबर कहीं मुझे दिखा दीजिए आप किसी इंटरनेशनल मीडिया में, आप अपने घर में बैठ के लिखती हैं और उसे ही कोट कर देती हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ डेली, मैं मुझे तो कहीं नहीं दिखा, ये सारे झूठ आप बोल रहे हैं, अपने घर में बोला कीजिए ना, नेशनल मीडिया पे आके बोल देते हैं। मरियम नवाज साहिबा की बात की, मरियम नवाज साहिबा का जो है ना कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर का फैसला नहीं किया था, अरे ट्वीट नहीं किया था, जो लोग कश्मीर, आपके कश्मीर से आजादी मांग रहे थे वो कश्मीरी थे, जो आपके कश्मीर से आजादी मांग रहे थे वो कश्मीरी थे। कश्मीर का बच्चा चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हमारी पूरी स्टेट का ये डिस्प्यूट चल रहा है और इसका फैसला होना है और हम इसका फैसला करेंगे। तो आपके लोग आजादी मांग तो रहे हैं, आप एक बार प्लेबिसाइट तो कराइए, पता चल जाएगा आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपके लोग आजादी मांग रहे हैं ना, आपके पीपीपी वाले ने बोल दिया था, अरे आप ही के देखिए, मेरे ख्याल से आखिरी 3-4 मिनट है, मुझे सबके लास्ट कमेंट्स चाहिए, मुझे सबके लास्ट कमेंट्स चाहिए हामिद। अच्छा, मैं आप सबके लास्ट कमेंट्स चाहूंगी, हामिद खान साहब आपका लास्ट कमेंट, फिर रिफत आपका, फिर रोहित आपका। जी जी हामिद खान साहब आपका लास्ट कमेंट। मेरा सिर्फ ये लास्ट क्लोजिंग की तरफ जाना है कि रोहित जो है ना वो ये नहीं समझते कि वो अगर अपने घर का इंडियन जो कंट्रोल्ड मीडिया के अखबार के ऊपर बात करके समझते हैं कि सब कुछ यही है, तो ये इसी अंधेरे में रहे, इनके इनको अकल तब आएगी
जब इनको एक दिन पता चलेगा जिस तरह रशिया टूटा था इसी तरह भारत टुकड़े टुकड़े होगा, वन फाइन मॉर्निंग ही विल नो कि जी खालिस्तान भी बन रहा है, कश्मीर भी आजाद हो रहा है, आसाम भी अलहदा हो रहे हैं, नागालैंड भी अलहदा हो रहा है, मैसोई भी है, वो दूसरी स्टेट भी अलहदा हो रही है। आखिरी बात ये मैं आपको इनको समझाना चाहता हूँ और वो ये है कि ये अगर ये समझते हैं कि कश्मीर में फौजी रखकर 7 लाख फौज रखकर दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज एरिया बनाकर ये कश्मीरियों पर अपना जोर जमा लेंगे तो ये ख्वाब में रहते हैं। आखिरी बात ये जो कहते हैं ना जी कि प्लेबेसाइट हो, प्लेबेसाइट की पहली शर्त ये है कि दोनों तरफ का कश्मीर डीमिलिटराइज हो। हमारी तरफ तो कोई फौजी नहीं है कश्मीर के अंदर, इन्होंने 7 लाख फौजी घुसाया हुआ है, अब अपना फौजी निकालें, अपने जो है वो उनको कहीं और घास खाने भेजें, उनको कश्मीर की घास बस कर दें खिलानी, बस यही हाल है। जी 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 रोहित आपका लास्ट कमेंट, फिर रिफत आपकी तरफ आ रही हूं। जी रोहित, रिफत जी से ले लिए फिर मैं जवाब देता हूं दोनों का। नहीं आप पहले बोलिए ना ताकि मैं आपको जवाब दूं। नहीं आप ना कोई बात ऐसी कर देंगे ना कि मैं रिफत से पे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी आपकी बात पे। जी आप लास्ट कमेंट में भी कोई ना कोई बात कर देते हैं। जी जी रोहित, तो फैक्ट रिमेंस, इन्होंने बोला हमारी साइड फौजी नहीं है, इन्होंने बोला हमारी साइड फौजी नहीं है, तो बॉर्डर पे जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है वो कौन करता है? सिविलियन भी आपके बोर लेके फेंकते हैं क्या? तो वगैरह हमारा जो रेशियो है वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर है, शहर के अंदर। अरे अब अभी दो मिनट, अभी अभी एक मिनट नहीं हुआ, आपने बोला फौजी नहीं है, आप बोल रहे हैं रेशियो का। मैं तो नहीं है बोलेंगे सामने के सामने पकड़े जा रहे हैं आपके, हमारा सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अच्छा रोहित, लास्ट कमेंट का मतलब डिबेट तो नहीं होता, रोहित लास्ट कमेंट का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझसे सिर्फ बात करेंगे लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आप उसमें नई डिबेट शुरू कर देते हैं, ये कोई बताएगा नया कोई सोचा छोड़ देते हैं, कोई नई डिबेट शुरू कर देते हैं। आप बताएं आप तो वो पता नहीं है कौन कर रहा है वो फायरिंग, किसको बता रहे हैं आप? ऊपर से आप बोल रहे कंट्रोल मीडिया, बलूचिस्तान बलूचिस्तान अलग आजादी मांग रहा है, सिंधु देश अलग आजादी मांग रहा है, आपकी कितनी आजादियां मांगी जा रही है जी? आपके चार स्टेडियम पर आजादी मांग रहे हैं, सब पंजाब के खिलाफ है, पता नहीं है क्या? सबको पता है जो आप ये लास्ट कमेंट के तौर पे करते हैं, बकायदा डिस्कशन शुरू कर देते हैं, मतलब फिर उस पे जारी बातें आगे से, फिर हामिद साहब भी कुछ जवाब देंगे, रिफत भी, लास्ट कमेंट का मतलब है कि लास्ट कमेंट। जी जी रिफत, नहीं ये बात कर रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि मतलब ये अपने दूसरों के ऊपर नज़र रखते हैं, अपनी इनको नज़र नहीं आती है। वहाँ पे सेवन सिस्टर स्टेट्स से आज़ादी चाहती हैं, उत्तराखंड में अब पीएलए उतर आई है, लद्दाख जो है वो आधा ले चुका है, आधा जो है इंशाल्लाह वो भी ले जाएगा जल्दी, और उसके बाद जो है कश्मीर भी इनके हाथ से निकल जाएगा, ये ऐसा ऐसा ये खुद खुद टूटेंगे, पंजाब जो है वो खालिस्तान बन जाएगा, ये खुद तोड़ रहे हैं हिंदुस्तान को, ये खुद तोड़ रहे हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को कोई और नहीं तोड़ रहा, ये मोदी गवर्नमेंट जब तक रहेगी हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है वो टूटता जाएगा, ये खुद तोड़ रहे हैं हिंदुस्तान, खुद इस टाइम हिंदुस्तान को तोड़ रहा है। ठीक है जी, ये हिंदुस्तान के दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान की जो इस टाइम की गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान की दुश्मन है, हम हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ है, हम इंडिया नहीं होगा। जिस जिस सरजमीन ने कुर्बानी दी है आज तक, वो सरजमीन हमेशा आजाद हुई है, हमने उस सरजमीन को खून से सींचा है, हमारी आजादी की तहरीक थी है और रहेगी। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, कश्मीरी की आजादी की तहरीक हमेशा रहेगी, जब तक उनको आजादी नहीं मिलेगी उनका जज्बा यही रहेगा। रिफत ने बहुत खूबसूरत बात की, इसी के साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पाक भारत टाकरा में कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।